नमस्कार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश है आज की अहम खबरें। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी क्रम में आज हमारी टीम सोनीपत जिले के बरौद हलके पहुंची, जहां से ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त चुनाव मैदान में उतरे हैं। योगेश्वर के चुनाव मैदान में उतरने से यह सीट राज्य की हॉट सीट में गिनी जा रही है, जहाँ पर पूरे देश की निगाह है। हालांकि इस सीट पर भाजपा का पहले कोई वजूद नहीं रहा, वो आज तक इस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन योगेश्वर के चुनाव मैदान में आने से यहां सारे समीकरण बदल गए हैं। इसका नज़ारा योगेश्वर के नामांकन के समय भी देखने को मिला, जब लाखों की भीड़ उनके समर्थन के लिए पहुंची। उधर योगेश्वर के ससुर और क्षेत्र के पुराने कांग्रेसी नेता जय भगवान भी अपने दामाद को जिताने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि बड़ौदा से उनके दामाद योगेश्वर की जीत निश्चित है। वहीं कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायक श्री कृष्ण हुड्डा पर ही एक बार फिर से दाव लगाया है, लेकिन पहलवान योगेश्वर को श्री कृष्ण हुड्डा कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आज हम बात कर रहे हैं बड़ौदा से भाजपा प्रत्याशी ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त से। योगेश्वर जी, आप बताएं चुनावी मुद्दे क्या हैं और अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, बड़ौदा हल्का के बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि हर गांव तकरीबन गांव में उठ गए हैं। हर जगह बिजली की और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, खेल से संबंधित भी समस्याएं हैं। और हमारा यही है कि हम लोकसभा इसमें विधानसभा में आके लोगों की जो मेन समस्याएं पानी की और खेल से संबंधित हैं उनको दूर करेंगे और हम हमेशा अपने हल्के की जनता के साथ करेंगे।